और खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर इकोना इलाके में एक बच्ची लावारिस हालत में घूमती हुई पाई गई। लोगों ने रोककर उसका नाम पता पूछा, लेकिन वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ दिखाई दी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के सामने से है, जहाँ पर एक लगभग 7 वर्षीय बालिका घूमते हुए पहुंच गई और खाली कुर्सी पाकर वो भोजा भंडार की दुकान पर बैठ गई, जिसके बाद उसका नाम पता पूछा गया, लेकिन वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ दिखाई दी। ऐसे में उसे खिलाया पिलाया गया, फिर भी वो कुछ बताने में असमर्थ रही। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट का यह पूरा मामला है, जहाँ पर यह बच्ची पहुँची है। आपको बता दें, यह बच्ची इकोना देहात के पूर्व प्रधान के पुत्र की बेटी है। हर 2 माह में ये अपने घर से गायब हो जाती है, और कभी ये इकोना बाईपास पर मिलती है तो कभी इकोना तहसील के पास, कभी कंजड़वा रोड पर पहुंच जाती है तो कभी चिचड़ी रोड। इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने से ये तस्वीरें, जहां पर कुछ देर रुकने के बाद वो विधायक आवास मोड़ के निकट सिराज टायर के दुकान के पास पहुँच गई। जब इनके पिता को फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, दोस्त मोहम्मद पूर्व प्रधान से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, उन्हीं के पुत्र की ये बेटी है। श्रावस्ती जनपद के इकोना विधायक आवास मोड़ के पास इस समय यह बच्ची मौजूद है। श्रावस्ती जनपद के इकोना का मामला।